चलिए बढ़ते खबरों में आगे। हरियाणा में क्राइम पर लगाम लगाने के लिए अंबाला में जगह जगह कैमरे लगने जा रहे हैं। इसके लिए गृहमंत्री अनिल विज ने पुलिस प्रशासन के साथ मीटिंग भी की है। अंबाला में लगभग 350 कैमरे लगाए जाएंगे, जिस पर जानकारी देते हुए गृहमंत्री अनिल विज ने बताया कि अंबाला में हर एक मॉडर्न प्वाइंट पर कैमरा लगाया जाएगा। अंबाला रेलवे स्टेशन, बाजारों और कई अन्य जगह लगाया जाएगा और इसका कंट्रोल रूम अंबाला सदर में बनेगा। अंबाला में हर एक मॉडर्न प्वाइंट पे कैमरा लगेगा, रेलवे स्टेशन के इन और आउट पे लगेगा, बस स्टैंड के इन और आउट पर लगेगा, बाजार के सभी चौकों पर लगेगा। जो स्ट्रेटेजिक प्वाइंट है जहाँ पर कोई हमारा जो भी कंट्रोलमेंट बोर्ड है, कोई ऐसी इंस्टॉलेशन है, तो वहां पर लगेगा। सारे शहर में लगभग 350 कैमरे लगाए, कंट्रोल रूम सदर थाने में। तो वहीं राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी को लोगों की आवाज उठाने से कोई नहीं रोक रहा, लेकिन उनकी हरकतों की वजह से कोर्ट ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीनी है, तो उन्हें बिना सांसद सदस्यता टैग के काम करना पड़ेगा। कोई नहीं रोक सकता, लेकिन सांसद तो कानूनों के तहत ही बनता है। अगर आप ऐसी हरकतें करते हो कि कोर्ट आपकी संसद सदस्य छीन लेती है, तो आपको बिना उसके ही रोना पड़ेगा, संसद सदस्य का टैग आप छीन जाएगा।